तो फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीन फ्लिकरिंग को लेकर के परेशान हैं, स्क्रीन फ्लिकरिंग को लेकर के मेरा कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो सीपीयू होता है, वो ऑन होता है, लेकिन हमारा जो मॉनिटर होता है वो बार बार बंद चालू बबलिंग करते रहता है, बार बार ऑन ऑफ होते रहता है ऑटोमेटिकली। तो फ्रेंड्स, अगर इसे कहते हैं स्क्रीन फ्लिकरिंग। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं कि आपका भी जो मॉनिटर है बार बार बंद चालू होते रहता है, जबकि आपका सिस्टम ऑन है, सीपीयू ऑन है, बावजूद आपको डिस्प्ले परेशान किया जा रहा है, बार बार बंद चालू हो रहा है, तो अगर आप इसे स्क्रीन फ्लिकरिंग कहते हैं, तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको 100% इसकी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज एक नहीं, कई सारे ऐसे आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि हर किसी के सिस्टम पर एक ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, इस प्रॉब्लम के अनेक सारे रीजन हो सकते हैं। तो आज मैं आपको 100% सभी स्टेप को बताने वाला हूं कि कैसे हम स्क्रीन फ्लिकरिंग, मतलब जो डिस्प्ले ऑन ऑफ जो होते रहते, इसका 100% सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बस आप लास्ट तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, वीडियो को नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में 1 घंटे को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है एक कंप्यूटर, और आज मैं आपको इस कंप्यूटर में जो डिस्प्ले बार बार बंद हो रही है, स्क्रीन फ्लिकरिंग का जो प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या आप अपने कंप्यूटर पे एक UPS यूज़ करते हैं क्या। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक UPS, मैं कंप्यूटर यूज़ करते समय एक UPS का यूज़ करता हूँ, इसी UPS से ही मेरा जो कंप्यूटर है वो चल रहा है। फ्रेंड्स, तो क्या आप भी UPS यूज़ करते हैं? तो अगर आप UPS यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो UPS का जो केबल होता है, यहाँ पर देख सकते हैं इसी केबल के माध्यम से हमारे UPS पर जो है लाइन की सप्लाई हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, UPS का जो स्विच है इसे आपको एक बार टर्न ऑफ करना है। यहाँ पर सिंपली है कुछ इस प्रकार से इसको बंद कर देना है। जैसे देख सकते हैं इसका जो बटन है वो ये वाला बटन है, ये सिंपली आपको एक बार ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको देखना है कि क्या हमारा जो UPS है उस पर लाइन की सप्लाई को बंद करने से हमारा डिस्प्ले बार बार जो बंद हो रहा था वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है क्या। क्योंकि फ्रेंड, कई बार क्या होता है, हमारा जो UPS होता है उसकी वजह से भी हमारे कंप्यूटर की जो डिस्प्ले होती है वो बार बार बंद चालू होने लग जाती है। तो आपको इसको भी एक बार ट्राई करना सबसे पहले फ्रेंड, क्योंकि ये प्रॉब्लम को कोई मतलब ये जो समस्या है इसका एक मुख्य कारण यह भी होता है जो UPS हमारा होता है। तो अगर UPS में लाइन सप्लाई को बंद करने से आपका कंप्यूटर का जो डिस्प्ले बार बार बंद हो रहा है वो समस्या अगर समाप्त हो जाती है, तो आप अपने UPS को निकाल कर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा UPS आप खरीद सकते हैं, क्योंकि UPS के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करें दूसरे नंबर की, तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर का जो VGA केबल होता है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि फ्रेंड, मैं VGA केबल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरा VGA केबल एकदम नया था, नया VGA केबल इसमें लगा हुआ था, तो इस कारण से मैं VGA केबल पर ध्यान नहीं दे रहा था, और बाकी अन्य चीज़ों पे जो है पूरा प्रोसेसर सब चीज़ को खोल खाल के पूरा बराबर कर दिया था, बावजूद मेरा प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ। तब जाकर के मुझे समझ आया कि जो मेरा VGA केबल है, हालांकि नया है फिर भी ये ख़राब हो सकता है। तब जाकर के मैंने VGA केबल को चेंज किया, तो मेरा जो प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो गया। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि VGA केबल से कैसे प्रॉब्लम हमें आती है। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, हमारा जो CPU है उस पर हमें अपने पोर्ट पर चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं CPU में यहाँ पर VGA केबल का सॉकेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम अगर आपके में आ रही है बार बार, आपका जो डिस्प्ले है वो बार बार बंद हो रहा है, तो इस सॉकेट को आपको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो डिस्प्ले पे जो लगा रहता है, मॉनिटर पे जो सॉकेट लगा रहता है, इसको भी आपको निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। और दोनों को निकालने के बाद डिस्प्ले वाले साइड को CPU पे और CPU वाले को डिस्प्ले पे, तो इस तरीके से आपको एक्सचेंज करना है। मतलब ये वाली जो हमारी सॉकेट है इसको हमें डिस्प्ले पे लगाना है, और डिस्प्ले वाले सॉकेट को हमें CPU पे लगाना है। इसे एक्सचेंज करके एक बार देख लेना है। एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा, अगर यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो बार बार डिस्प्ले बंद हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हो रही तो आपको मार्केट से नई VGA केबल खरीदना है, और आपको नया VGA केबल इसमें लगा करके एक बार चेक करना है। क्योंकि फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, VGA केबल भले ही नहीं हो, लेकिन नया VGA केबल में भी प्रॉब्लम आ ही जाती है कई बार, और ये चीज़ मेरे साथ हुआ है। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूँ आपको, एक नया VGA केबल वो 60-70 रुपये में आ जाती है फ्रेंड, 60-70 रुपये में आ जाती है। तो आप एक VGA केबल खरीद लें और उससे यहाँ पर आप यूज़ करें, इसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं हमारा जो विजो सॉकेट यहाँ पर केबल है, यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ सॉकेट को, यहाँ पर मैंने निकाल दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो VGA केबल है, केबल तो काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं केबल काफ़ी अच्छी है, एकदम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सॉकेट जो होता है यहाँ पर जंक लग जाती है कई बार। यहाँ पर देख सकते हैं जो सॉकेट है, तो यहीं पर जंक लग जाती है।
जंग लगने के बाद क्या होता है, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारा जो डिस्प्ले होता है बार बार बंद 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 चालू बंद चालू ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, जिसे हम स्क्रीन फ्लिकरिंग कहते हैं। तो इसकी वजह से भी जो जंग लग जाती है, इसकी वजह से भी जो है हमारे डिस्प्ले पे स्क्रीन फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम आती है, बार बार डिस्प्ले बंद चालू होते रहता है। तो आपको क्या करना है, एक नई विजय केबल खरीदनी है और आपको नया विजय केबल को फिर से इसमें कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि विजय केबल के चलते ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो आपको केबल को चेंज कर ही लेना है, क्योंकि फ्रेंड इस केबल के चक्कर में मैंने क्या क्या नहीं किया है। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, क्योंकि मैंने सब चीज़ चेंज किया लेकिन विजय केबल चेंज नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो विजय केबल था वो नया था, लेकिन नया केबल भी ख़राब निकल जाता है फ्रेंड, और इसी वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको विजय केबल सेकेंड नंबर पर चेंज करना है। फर्स्ट जो ट्रिक मैंने बताया उसे यूज़ करें, सेकेंड नंबर पे आप विजय केबल को चेंज करें, इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर आती है ड्राइवर प्रॉब्लम। फ्रेंड्स जब हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को अपडेट करते हैं उसके बाद से हमें स्क्रीन ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट पे चले जाना है, यहाँ पर सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुल करके आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्प्ले एडाप्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले एडाप्टर, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ एक यहाँ पर आपको जो ग्राफिक्स कार्ड है वो शो करेगा। फिर आपके कंप्यूटर पे जो भी ग्राफिक रहेगा वो शो करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिक शो कर रहा है। इसको इस पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली आपको लेफ्ट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है, लास्ट में मिल जाएगा प्रॉपर्टीज़, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऊपर मिल जाएगा सेकेंड नंबर पर ड्राइवर्स, आपको ड्राइवर पर क्लिक करना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली आपको मिलेगा ड्राइवर रोल बैक, यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राइवर डिटेल से मिलेगा, इसके बाद ड्राइवर अपडेट, उसके बाद तीसरे नंबर पे ड्राइवर रोल बैक। तो सिंपली आपको रोल बैक कर लेना है, क्योंकि अपडेट के बाद अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रोल बैक करने से क्या होगा, आपका जो पुराना जो ड्राइवर था वो फिर से रोल बैक हो जाएगा, पुरानी ड्राइवर फिर से आ जाएगी, इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर इसके बाद भी नहीं होता तो आपको क्या करना है, आपको अपडेट करना है ड्राइवर को। वहीं पर अपडेट पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ फिर खुल करके आएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा। इसके लिए लेकिन आपको इंटरनेट के होना बहुत ज़रूरी, आपको अपने पीसी या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट रखना, तभी ये काम करेगा फ्रेंड्स। तो इसके बाद आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी चाहिए फ्रेंड्स। अब अगर ड्राइवर अपडेट करने के बाद भी आपका ये जो स्क्रीन ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले पर लेफ्ट क्लिक करके स्क्रीन रेजोल्यूशन पर क्लिक करना है। स्क्रीन रेजोल्यूशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रेजोल्यूशन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिकमेंडेड पे आपको क्लिक करना है, फिर देख सकते हैं यहाँ पर इसको ऊपर नीचे करके आप जो सिंपली रिकमेंडेड पे से क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि फिर गलत रेजोल्यूशन सेट होने के कारण भी जो हमारा डिस्प्ले होता है मॉनिटर होता है वो बार बार ब्लिंक करने लग जाता है। तो आपको रिकमेंडेड पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपका जो स्क्रीन ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है फ्रेंड्स इसको यूज़ करने से। तो फ्रेंड्स अगर ये सब ट्रिक ट्राई करने के बाद भी अगर आपके कंप्यूटर के जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, आपका जो सीपीयू आप देख सकते हैं मेरे पास एक सीपीयू पड़ा हुआ है, सीपीयू को आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से, सिंपली आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जूम करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको जूम कर देता हूँ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें आपको सिंपली अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं हमारा जो सीपीयू ओपन हो गया। यहाँ पर हमारा बोर्ड है देख सकते हैं, प्रोसेसर फैन लगी हुई है, यहाँ पर हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ये डीवीडी राइडर लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो मेन सॉकेट जो होता है ये वाला पावर सप्लाई के जो मेन सॉकेट होता है उसे आपको सिंपली बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से, खींचने से निकल जाते हैं देख सकते हैं, खींचने से निकल जाते हैं। यहाँ पर प्रेस करने का ऑप्शन रहता है, इसे प्रेस करके आप सिंपली खींच के निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास रैम लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर रैम लगा हुआ है, तो आपको इस रैम को बाहर निकालना है। यहाँ पर देख सकते हैं सॉकेट लगा हुआ है, इस सॉकेट को सिंपली आपको प्रेस करना रहता है पीछे एक साइड, इसे पीछे एक साइड ऐसे पीछे एक साइड इसको आपको प्रेस करना है, इसको भी पीछे एक साइड आपको प्रेस करना है आप देख सकते हैं, फिर आपका जो रैम है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रैम ओपन हो गया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको इस रैम को पोंछ लेना है अच्छे से, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वो लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पीतल ये लगा रहता है जो हमारे प्रोसेसर से टच, मतलब जो हमारा मदरबोर्ड है उसे टच होता है। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से एक कपड़े में पोंछ लेना है फ्रेंड, यहाँ पर कपड़े से, या फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा जो
इरेजर जो होती है, सिस्मेटी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इरेजर जो होती है ना, सिस्में लिखने के बाद जिसे हम मिटाते हैं, अब उसकी मदद से भी इसे काफ़ी अच्छे साफ़ कर सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से साफ़ कर लेना, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद फिर आपको सिंपली यहाँ से यहाँ तक फिर से आपको साफ़ कर लेना, देख सकते हैं। इसे साफ़ करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर आपको लगा देना है, इसे कुछ इस तरीके से आपको सिंपली लगा देना है। इसे निकालना लगाना बड़ी आसान है फ्रेंड, आप सिंपली से निकाल के लगा सकते हैं। लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से आपको फिर से वहीं पर डाल देना है सॉकेट पे। सॉकेट क्लिप पे डालने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको प्रेस कर देना है। अब इसे आपको क्या करना है, दबा देना है बस। हम देख सकते हैं इसे दबाने से लग जाती है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको इसको दबा देना है नीचे से, देख सकते हैं फ्रेंड मैंने इसे दबा दिया, अब ये लग गया पूरी अच्छी तरीके से। अब इसे लगाने के बाद आपको ये जो सॉकेट है जिसे हमने निकाला था, सॉकेट को फिर से लगा देना है फ्रेंड्स। इस सॉकेट को आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से, इसे प्रेस करने से लग जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड ये प्रेस करने से लग गई। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटी वाली वायर दी हुई देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है, इसे भी आप यहाँ पर प्रेस करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं थोड़ी सी इसे आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे अच्छे से आपको समझ आ सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर सॉकेट लगी हुई, इसे आपको खींच के बाहर निकाल लेना है। इसे खींचने से बाहर, इसमें भी एक सॉकेट लगा रहता है लॉक, इसको आपको ऐसे प्रेस करना होता है, इसको प्रेस करना होता है, प्रेस करके आप इसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको निकालने के बाद आपको इसे फिर से प्लग इन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगा होता है, आपको सॉकेट को देख लेना, इसके जो लॉक है तो लॉक के जो सीधे इसे देख लेना है, इस लॉक के हिसाब से इसको आपको फिर से निकाल के लगा देना है। इसे मैं फिर से यहाँ पर लगा देता हूँ। इसे लगाने के बाद आपको अपना कंप्यूटर को फिर से ऑन करना है फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड, रैम को निकालना है, सॉकेट को निकालना है, इसे लगा करके फिर से सबको सेट कर देना है पहले की तरह। इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर को जो है ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स, इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में स्क्रीन ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम जो आती है उसे हम फिक्स कर सकते हैं। बड़े मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर में आने वाली डिस्प्ले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड मैंने बहुत देखा है ये प्रॉब्लम को, और मैं तो खुद भी इस प्रॉब्लम को फेस किया हूँ, और जब मैंने इस प्रॉब्लम को खुद फेस किया तब जाकर मुझे समझ आया कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, तब जाकर के मैंने ये वीडियो को बनाया फ्रेंड। और इसमें मैंने आपको बड़ी आसानी से समझा दिया कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो स्क्रीन ब्लिंकिंग की जो प्रॉब्लम थी, जो बार बार डिस्प्ले बंद हो रहा था, ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और अगर नहीं भी हुआ तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसकी मैं दूसरी वीडियो बना सकूं जिससे आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाए फ्रेंड्स। लेकिन मैं इतना आपको बस बता देता हूँ फ्रेंड, इन स्टेप्स को अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो प्रॉब्लम है इसकी डिस्प्ले को लेकर के, जो बार बार डिस्प्ले जो बंद हो रहा है, स्क्रीन ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। बस आपको इन स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करना है। और लास्ट में फ्रेंड एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, वो है विजय केबल। अगर आपके कंप्यूटर में नया विजय केबल भी लगा तो भी आप एक नया विजय केबल खरीदिए, और नया विजय केबल को आप उसमें लगा करके यूज़ कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही धोखा देने वाली चीज़ है। क्योंकि विजय केबल मेरे में नया लगा हुआ था, बावजूद वह जो है सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर पे जो है बार बार जो मॉनिटर है वो बंद चालू हो रहा था, और मैंने विजय केबल नया है करके उसको ध्यान नहीं दिया और बाकी सभी चीज़ों को छेड़ना स्टार्ट कर दिया। अंत में मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम तो विजय केबल पर ही है, और जैसे मैंने अपने विजय केबल चेंज किया मेरा जो प्रॉब्लम था बिल्कुल भी फिक्स हो गया फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे को भी दबाएं, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नई एक नई वीडियो पे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।